जोड़ों और घुटनों के पुराने दर्द का अनुभव करने वाले कई लोग आज भी उस आसानिया दर्द का क्षण याद कर सहम जाते हैं जब उन्हें पहली बार घुटने या जोड़ों में तेज दर्द का एहसास हुआ था। दिल्ली की रहने वाली 40 साल की महिला प्रीति त्यागी भी उस रात को कभी नहीं भूल पाई जब उन्हें घुटने में आसानिया दर्द हुआ था। मुझे 5-6 साल से मतलब बैठने में दिक्कत होती थी, उठ नहीं पाती थी। फिर अचानक से एक दिन रात में, ये नाइट ड्यूटी गए हुए थे तो मेरा पैर दिन से ही दुख रहा था, थोड़ा थोड़ा दर्द था। फिर रात में होते होते बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था मेरा पैर, एक चलना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर सुबह आए तो डॉक्टर के यहाँ लेके गए, दिखाया तो उन्होंने बिल्कुल वो बता दिया कि ना झुकना है ना इसको मोड़ना है। फिर दवा खाई कई महीने। घुटनों का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उठने बैठने, दौड़ने या सीढ़ियाँ चढ़ने जैसे आसान काम को भी एक कठिन लड़ाई में बदल देता है। घुटनों के जोड़ की गिरावट और फिर आसानिया दर्द और फिर सही इलाज ना मिल पाना कई लोगों के लिए एक श्राप जैसा बन जाता है जो आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा को कम करने लगता है। इस बढ़ती समस्या के बाद प्रीति त्यागी जी के लिए सही स्वास्थ्य सेवा चुनना उनकी यात्रा का पहला महत्वपूर्ण कदम था। उनके पास भारत में घुटनों की समस्या और उसके उपाय के साथ ठीक होने वाले समय के बारे में कई प्रश्न थे। वो दर्द को कम करने के लिए एलोपैथी का इस्तेमाल तो लगातार कर रही थी जिससे अस्थायी तौर पर आराम तो मिलता था लेकिन दर्द फिर शुरू हो जाता था। मुझे 5 साल या 6 साल हो गए, मैं घुटनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो घुटनों की दवा जैसे लेते थे एलोपैथिक में तो ठीक रहता था, जैसे बंद कर देते थे तो फिर दर्द शुरू हो जाता था। मैं बैठ नहीं पाती थी, नीचे झुक नहीं पाती, मोड़ नहीं पाती थी। दवा लेने के बाद फिर मुझे रेगुलर दवा लेनी पड़ती थी, अगर दवा ना लूँ तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। सप्लीमेंट लेते थे तो वो बंद करी, उसके एक हफ्ते बाद मुझे वापस से वैसी दर्द शुरू हो जाता। प्रीति जी को इसका समाधान भारत के प्रसिद्ध यूनानी हकीम के रूप में मिला जिन्हें भारत में यूनानी और घरेलू इलाज में सबसे अच्छा हकीम माना जाता है। प्रीति त्यागी एक पेशेंट है हमारी, मेरे पेशेंट हैं, ओल्ड लेडी हैं एक, वो जो है उनको घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था और कई सालों से वो घुटनों के दर्द से परेशान थी और कई जगह उन्होंने इलाज कराया, एलोपैथिक इलाज बहुत जगह कराया। उन्होंने जब एक्सरे वगैरह कराया एलोपैथ डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक को जब उन्होंने दिखाया तो उनको ये बताया ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो भी एडवांस स्टेज में है, घुटने के बीच के स्पेस कम हो रहे थे और दर्द घुटने में बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से उनको उठने बैठने में, अपना काम करने में, टॉयलेट बाथरूम जाने में और इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने हकीम सुलेमान साहब का वीडियो देखा कहीं पे और उन्होंने फिर हमारी टीम से, हकीम सुलेमान साहब की हमारी टीम से उन्होंने कंसल्ट किया और हमारी टीम ने जो है, हमारी टीम की तरफ से उनको कैप्सूल टी केयर वो एडवाइस दवा करी गई। हकीम सुलेमान खान जी के यूनानी इलाज के बाद प्रीति जी का आप कहना है? मैं तो पिछले 5-6 महीने से दवा ले रही हूँ उनकी, टी केयर। घर का काम आसानी से कर ले, आराम से करते हैं। कितने परसेंट माने आराम आपको? कम से कम 80% तो है 6-7 महीने में। हाँ जी, मैं वैसा टॉयलेट यूज नहीं कर पाती थी, इतना मुझे दर्द होता था पैर में। मतलब अब मैं किचन में भी जैसे कोई काम करना है तो मैं बैठ के करती हूँ काम, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, उठ भी जाती हूँ बैठ भी जाती हूँ नीचे। आज प्रीति जी अपने घर का हर कार्य खुद करती हैं, उठने बैठने के साथ चलना फिरना और सीढ़ियाँ चढ़ना भी आसान हो गया है। आज वो उस पुराने घुटने के दर्द से मुक्त हो गई हैं जो उन्हें 6 वर्षों से परेशान कर रहा था। वो कहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जीवन का आनंद लेने का दूसरा मौका मिला है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा मानते हैं इस चीज को, मतलब यूनानी भी और घर के जो नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, तो उनके उसमें मैं भी वो भी खुश है अब। हाँ जी, नहीं तो बहुत परेशान हो गए थे घुटनों की वजह से कि अभी इसे घुटनों में क्या हो गया। प्रीति जी या इन जैसी सच्ची कहानियों को साझा करके हमारा उद्देश्य संपूर्ण घुटने की समस्या के जीवन परिवर्तनकारी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है और जरूरतमंद लोगों से दर्द मुक्त जीवन की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करना है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और घुटने के दर्द के मामले में वो कदम आपको अधिक आरामदायक और पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है।